हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने लोशो ग्रेड से किस तरीके से जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, या कौन सी उम्र में आपकी शादी होगी। जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए कि मेरी शादी किस उम्र में होगी, और उसी के साथ साथ लव मैरिज, अरेंज मैरिज हम जान लेंगे, उम्र हम जान लेंगे, उसके बाद शादी होगी उसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, यानी कि किससे आपकी शादी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, इनको जानना। तो आज हम जानेंगे बहुत इजी तरीके से आप किस तरीके से कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं, ये खुद ही आप अपने तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर पर्सनली आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कुछ भी रेमेडी आपको चाहिए या फिर कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी बताना चाहते हो, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक जो डेट ऑफ बर्थ आप देख पा रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस जगह पर लिख सकते हैं, बहुत इजीली ये निकाल सकते हैं। जो भाग्यांक होता है वो जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अपना आ जाएगा भाग्यांक। जो भाग्यांक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 1+4, यानी कि पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है सिंगल सिंगल करके इसको हमने जोड़ दिया है, इसको पूरी को 1+9+9+8 करके जोड़ा है, तो यहाँ पर डबल डिजिट का नंबर आ गया है। इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 11 आया, 11 के बाद हमने इसको 2 कर लिया है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद मूलांक निकालेंगे, जो भाग्यांक है अपना वो लाइफ पाथ नंबर है, जो आपके आपका लकी नंबर होता है। अगर आप ये भाग्यांक निकाल लेते हो तो आपको आपका लकी नंबर मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो इसके आसपास आपके रहेंगे। मूलांक जो होता है वो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, सिंगल डेट ऑफ बर्थ होती है। अगर 2 मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वही आपका मूलांक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 14 है तो 1+4 करके 5 आपका जो मूलांक है वो निकल जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये जो है ये परमानेंट लोशो ग्रिड है, लेकिन हम अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ की लोशो ग्रिड बनाएंगे। तो किस तरीके से भरेंगे, 1 की जगह यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 भर देंगे। यहाँ पर आप अपने तरीके से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेरे साथ भर लीजिएगा। यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर है, 6 की जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर 1 है, 1 यहाँ लिखेंगे, 9 है, 9 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ की जगह है, फिर इसका 2 है, फिर है मूलांक 5। तो इस तरीके से हम भर देंगे। तो ये जो है ये क्या निकल के आया है, ये अपना लोशो ग्रिड हमने बना लिया है। अब हम इस लोशो ग्रिड को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं ये हम देखेंगे। तो कई तरीके होते हैं लोशो ग्रिड को पढ़ने के। जो हमारा तरीका है कि मैं आपको पहले ही इजी तरीके से बता देती हूँ कि यही चीज़ आपको देखनी है, ये आप देख लीजिए। बहुत से तरीके होते हैं पढ़ने के, जो न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से हर तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ लव मैरिज कैसे जान सकते हैं आप। तो वो जानने के लिए आप क्या करेंगे कि मैं एक तरीका बताती हूँ, 4-13 नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ये जो डेट है यहाँ पर, इन डेट पे कोई भी जन्म हुआ है, मान लो 4 को हुआ है, 13 को हुआ है, 22-21, तो यहाँ इसका मूलांक भी 4 ही होगा, इसका भी 4 ही होगा, इसका भी 4 ही होगा और इसका भी 4 ही होगा। तो यानी कि जो 4 मूलांक वाले लोग हैं उनका जो लव मैरिज होती है वो 100% बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ये जो एक तरीका है, तो यहाँ पर इनका किसी का मूलांक है, अपना भाग्यांक है 2 है और मूलांक 5 है, तो यानी कि यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन इनकी लोशो ग्रिड में 4 आ रहा है। तो हो सकता है इनकी लव मैरिज हो, वो आगे देखेंगे कि आप किस तरीके से देख सकते हैं इनकी लोशो ग्रिड में है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर बिल्कुल चांसेस नहीं होते, इनकी लोशो ग्रिड में 4 है तो आपको कुछ चांसेस हैं, लेकिन अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक में 4 होता वो, तो वो बहुत अच्छा होता, यानी कि आपके चांसेस हैं वो बढ़ जाते। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैच कर लीजिएगा, ये एक तरीका हुआ। इसके बाद आपको जो लोशो ग्रिड है उसमें 4 होना चाहिए लव मैरिज के लिए, 7 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। ये जो नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 राहु को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि आपका जो भी अच्छा बुरा होता है। 2 जो होता है वो आपकी
जो भी रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो होता है तो आपका लव मैरिज का चांसेस बढ़ जाता है। दो किसी की भाग्यांक में होता है या फिर मूलांक में होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट करता है और मून लाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप बहुत कूल होंगे, बहुत इमोशन वाले होंगे, तो आपकी जो लव मैरिज के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद सात जो होता है वो बच्चों का नंबर होता है, फैमिली का नंबर होता है, लव का नंबर होता है, तो यहाँ पर अगर सात होता है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तीन जो होता है वो फैमिली का नंबर होता है, यानी कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, आपकी मनपसंद की फैमिली होगी, तो वो अगर आपकी मूलांक भाग्यांक में हो तो 100% चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपके लोशु ग्रीड में भी हो तो भी चांसेस होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर तीन नहीं है, सात नहीं है, तो यहाँ पर इसके चांसेस जो होते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो एक ये तरीका होता है कि आप बहुत ईजिली देख सकते हैं चार सात दो तीन में से कुछ है या नहीं है। तो अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा नंबर आपके में मिसिंग है। तो ये एक तरीका हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका हमारा सात वाला था, तो आपके साथ में कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि 7, 16 और 25 इसको आप जोड़ेंगे यानी कि मूलांक निकालेंगे तो 7 ही आएगा, 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, तो इस तरीके से 7 निकल के आ रहा है, यानी कि मूलांक या भाग्यांक में से 7 हो। 7 जो हमारा था वो बच्चों का नंबर था, प्यार का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, तो 7 होगा तो वहाँ पर 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। फिर आपको देखनी है कि आपकी उम्र कैसी है, उम्र कितनी है। तो उम्र देखने के लिए अगर आपका ये पूरा का पूरा फिल है, यानी कि 3, 5, 7 या फिर 2, 5, 8, इसमें से एक भी लाइन अगर आपकी फिल है जो कि होके जाती है किस चीज़ से, 7 से 2 से और 4 से, ठीक है, यानी कि 4 वाली लाइन 2 वाली लाइन 7 वाली लाइन, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपकी पूरी है तो आपकी जो शादी के चांसेस होते हैं, मैरिज के चांसेस होते हैं, वो 23 की उम्र से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 7 वाली नहीं है लेकिन 2 वाली है, 2 वाली भी अच्छी होती है, तो यहाँ पर जो इनकी शादी है उसके योग शुरू हो जाते हैं 3 से तो 25 तक, तो इनकी शादी 100% हो जाती है। तो इस तरीके से आप उम्र देख सकते हैं कि आपकी कितनी उम्र होगी, यानी कि एक लाइन कौन सी पूरी है। ये मैं आपको जो सबसे ईजी तरीका होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लोशु ग्रेड पढ़ने के, लेकिन जो सबसे ईजी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। रिलेशनशिप के लिए भी यही नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपकी लोशु ग्रेड में रिपीट हो रहे हैं, 2 बार है, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आपने अगर 5 मान लीजिए बहुत बार रिपीट हो रहा है 5 नंबर, तो आपके में जो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा। 3 अगर समझ लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार आ गया, 4 बार आ गया किसी की लोशु ग्रेड में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो गृहस्थी होती है वो अच्छी नहीं चलती है। तो अगर 2 भी 2-3 बार आता है तब तक ठीक है, लेकिन वो रिपीट अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा नहीं चलता है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि उम्र किस तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मैच करके अपनी उम्र देख सकते हैं और आप अपना रिलेशनशिप कैसे देख सकते हैं कि कैसा चलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं नंबर रिपीटेशन से कि 7 कितनी बार है, 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है। अगर बहुत ज़्यादा बार हुआ तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़ा होगा, और अगर कम बार है यानी कि 1-1, 2-2 बार है तो आप इससे जान सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए और आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।